हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं आज बिहार बीपीएससी सेवन्थ फेज के लिए एक बार फिर से टॉप 50 क्वेश्चंस को। आज के ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम्स में अवश्य पूछे जाएंगे, इसकी पूर्ण गारंटी है। तो दोस्तों, आज टॉप 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की। लगातार आप आंसर कमेंट करते चलिए। प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? प्रश्न जैसा कि आपके पास पहला उपस्थित करा दिया गया है, आप आंसर हमें लगातार करते रहने की कोशिश कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर निम्नलिखित में से क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग? सही आंसर होगा कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वह उपज का छठवा भाग लिया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम बताते चले कि यूनानी विवरण 1/4 का उल्लेख भू राजस्व के रूप में करते हैं यूनानी लोग। उसी तरीके से गुप्त काल में विविध शास्त्र या जमीन के सौदे 1/6 में की जाती थी। तो यूनानी विवरण जो है 1/4 में मिलेगा, जबकि गुप्त युग में भूमि राजस्व की व्यवस्था जो थी 1/1 यानी कि उपज का छठवा भाग था। दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? प्रश्न आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका जो है वह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। दोस्तों, हम इसके बारे में बताते चलें कि राज्य अफगानिस्तान, बिहार व कलिंग की जो ये है व्यवस्थाएँ हैं या उनकी जो संबंध है अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उसके केवल धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा गया था उसके साम्राज्य में। तो याद रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर प्रचार करने के लिए भेजा गया था, जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग में अशोक के साम्राज्य सम्मिलित थे। वहीं पर श्रीलंका में उनके पुत्र और पुत्री को भेजा गया था, जिनमें से आप सभी जानते हैं उनके नाम क्या है। अगर नाम आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 3 नंबर कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो ये है युद्ध है वह किस नदी पर लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, पुरुषनी। हम इसके बारे में आपको बताते चलें कि भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों जिनके नाम थे पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दह्य, अनिल, पक्त और भलानस, विषानिन और शिव के मिध में जो है दशारग्य युद्ध पुरुषनी अर्थात रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सुदास को विजय मिली और कुछ समय पश्चात पुरुओं और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरु वंश की स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे, जो यह पुरुषनी नदी है जिसको वर्तमान में अब रावी नदी कहते हैं, उसी के तट पर जो है 10 राजाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी तीसरे का आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैराथन दौड़ की कुल कितनी दूरी होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, मैराथन दौड़ की दूरी कुल कितनी होती है? तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 26 मील 385 गज। याद रखेंगे, मैराथन दौड़ में कुल कितनी दूरी होती है? तो 26 मील और 385 गज। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम कंटेंट जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी जो थी 26 मील 385 गज, या उसको अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज करें तो याद रखिएगा 42.195 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखने हैं कि मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितनी होती है, 26 मील 385 गज, जबकि वहीं पर किलोमीटर में 42.195 किलोमीटर इसकी कुल दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा पाँचवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिन्हाज उस सिराज। याद रखेंगे, तबकात ए नासरी ऐतिहासिक घटनाओं का एक बहुत बड़ा संकलन है, बहुत बड़ी किताब है जो इतिहास से संबंधित है। उसके लेखक जो है मिन्हाज उस सिराज हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न तो आप जरूर सही कीजिए। कोशिश कीजिए कि 30 प्लस किसी हिसाब से आप इसमें इस वीडियोज में कर पाइए। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, हम भी इंसान हैं, कभी कभी हो सकता है कि एक क्वेश्चन कोई गलत हो जाए, तो आप जो है आराम से और आसानीपूर्वक आप हमें कमेंट करके जरा हमारा ध्यान उधर आकृष्ट कराने की कोशिश कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इंसान से गलतियाँ होती हैं और हो सकती है कि 50 क्वेश्चन से कहीं कोई बाई द वे कोई मिस्टेक हो जाए, तो प्लीज़ हमें ज़रूर इसको आगाह करा दीजिएगा। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। प्रश्न है,
अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बारे में हम बताते चलें कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जिन स्मारकों का निर्माण कराया गया था उनमें अलाई दरवाजा, जयमत खाना, मस्जिद सीरी का किला तथा हजार खंबा महल के नाम उल्लेखनीय है। तो याद रखेंगे कुछ बिंदुएं हो जाएंगी, जैसे अलाई दरवाजा के साथ जमयत खाना, मस्जिद सीरी का किला तथा हजार खंबा महल के जो है वो निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आगे बढ़ते चलते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हुमायूं नामा की रचना निम्नलिखित में से किसने किया? सातवें का सही आंसर हो जाएगा कि हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबेदन बेगम ने किया था। तो देखेंगे यहां से बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन, याद रखेंगे बाबर की पुत्री और फिर हुमायूं की क्या बहन गुलबेदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन किया गया है और इसी में हुमायूं नामा में इन्होंने ये मतलब हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई है उसके बारे में भी चर्चा उन्होंने किया है। तो हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं, इतिहास से संबंधित, और याद रखिए इससे ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए आप इसी स्टैंडर्ड्स की तैयारी लगातार करते चले, हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा दोस्त। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वह किसके साथ किया था? तो आ जाइए थोड़ा सा हम एक बात बता दें, लगता है कि मैंने जो शाहजहां से संबंधित ये क्वेश्चंस था इसके पहले वाला मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पाया, चलिए उसका आंसर तो कर दिया है लेकिन कंटेंट नहीं जुड़ पाए, चलिए कोई बात नहीं है। नौवे में देख लेते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो नौवे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान के साथ। याद रखेंगे टीपू सुल्तान से संबंधित लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1972 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया गया। विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था, साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दें तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया और टीपू सुल्तान के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों से जो ये हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई वह टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ, उस दौरान जो इनके साथ संधियां हुई श्रीरंगपट्टनम में उसमें आधे राजपाट इनको देना पड़ा। दूसरी बात, इनको अपने 2 पुत्रों को लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास रखना था बंधक के रूप में, तब तक रखना था जब तक ये जो रुपये इनके ऊपर कर्ज के रूप में लगाए गए हैं 3 करोड़ रुपये वो जब तक पुख्ते ना हो जाते हैं, ऐसे थे टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते चलते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? एक बार बार क्वेश्चंस आ रहा है, 10वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, यह क्वेश्चंस तो मुझे लगता है कि अवश्य ही पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ वह दोस्तों बंबई में हुआ, हालांकि यह पहले पुणे में होने वाला था लेकिन प्लेग नामक बीमारी फैल जाने की वजह से वह मुंबई में ट्रांसफर किया गया। तो सही आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई। आगे है तेजपाल संस्कृत विद्यालय, आप जानते होंगे वहीं पर इसको स्थापित भी किया गया। प्रश्न है आगे आपके सामने, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ, वह विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था जिसको बाद में रद्द कर दिया गया था। आगे प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक है नील दर्पण, उसके लेखक कौन हैं? 13वें का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, वो है दीन बंधु मित्र। 13 नंबर क्वेश्चंस अभी आप देख रहे थे। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों,
गोकुल दास तेजपाल जो इस विद्यालय था संस्कृत कॉलेज, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। हम कंटेंट को नहीं जोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, भूल जा रहे हैं सर, इसीलिए आगे बढ़ते चलते 14 नंबर क्वेश्चन से, आगे से इसका जरूर ध्यान रख रहे हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो आंसर है चंपारण। तो इससे संबंधित कंटेंट जोड़ने की कोशिश करेंगे। कहता है कि 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए। आने के पश्चात गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर सबसे पहले उन्होंने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण आंदोलन नीलहे किसानों की समस्याओं से संबंधित था। उसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दिया था। वहीं पर अगर बात करें 1916 की सूरत अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो कि मुरली भरुआ गाँव के रहने वाले थे, उन्होंने गांधी जी को चंपारण आकर वहाँ के नीलहे मतलब अंग्रेजों द्वारा किसानों पर किस प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है, इसके लिए उन्होंने इनको आमंत्रित किया। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्वी पूर्व 6 शताब्दी। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6 शताब्दी में। दोस्तों इस संबंध में हम बताते चलें कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ था। ये जो प्रथम तो क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ, तो याद रखेंगे हर्यक वंश के शासनकाल में। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिवरज यानी कि जिसको वर्तमान में हम लोग राजगिरी कहते हैं को अपनी राजधानी बनाया था। इसने कोसल एवं वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया था। दोस्तों हालांकि इस वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि इसमें अपने पिता को ये मतलब हत्या कर करके आगे बढ़े थे। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। इसका प्रतापी राजा कौन हुआ? बिंबिसार। और यह वैवाहिक रणनीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया करता था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? प्रश्न आपके सामने है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ध्यान रखेंगे पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है कौन सा? सही आंसर हो जाएगा आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य। इसके संबंध में हम बताते चले दोस्तों कि यद्यपि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पौत्र और अजात शत्रु के पुत्र उदयन द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई, लेकिन पाटलिपुत्र को विधिवत राजधानी बनाने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। उसने जो है धनानंद को परास्त किया और कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त की सहायता से संपूर्ण भारत मगध को अपने पक्ष में लिया और वहां का शासक बना। उसी का जो है पौत्र जो हुआ उदयन, पुत्र नहीं पौत्र, पौत्र जो हुआ उदयन इस पाटलिपुत्र का क्या कराया था, निर्माण कराया था। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग देखते चलिएगा और प्रश्न हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लगातार ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक एक कंटेंट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय जरूर लग रहा होगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह प्रसिद्ध था। आपको बता देना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना जो है वह किस गुप्त शासक ने करवाया था, ये अपने आप में एक प्रश्न है, कई बार ये पूछा भी गया है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो निम्नलिखित में से वो कौन सा है व्यक्ति जो बिहार के जो चंपारण आंदोलन है, किसान आंदोलन जो है, उसका नेतृत्व इन्होंने अपने साथ साथ किया था? राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। याद रखेंगे 18 का सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। जैसा कि आप जानते हैं तत्कालीन चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी में संपन्न कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाकर गांधी जी से भेंट की और चंपारण के किसानों की दुर्दशा का विस्तार से उनके समक्ष वर्णन किया। तदनुसार अगर देखा जाए तो ही वर्ष 1917 में गांधी जी चंपारण आए तथा नील कृषकों के लिए ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह का संचालन किया। इसमें राजकुमार शुक्ल ने उन्हें सहयोग दिया। तो कुल मिलाकर ये बात करें, कभी कभी ये पूछ देता है कि बताइए कि चंपारण जो है महात्मा गांधी किस रास्ते से जाए, तो मुजफ्फरपुर वाले रास्ते से होकर के वो वहां पर पहुंचे थे।
19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है। 19 का सही आंसर आप लोगों को हम लोग को बता देना है। सही आंसर है कुंडग्राम। जैन धर्म के प्रवर्तक जो हैं महावीर स्वामी का जो है जन्मस्थली कहाँ है, कुंडग्राम। दोस्तों इस संबंध में हम आपको बताते चलें कि जैन धर्म के प्रथम जो ये हैं आपके पास संस्थापक हैं या प्रथम जो स्वामी हैं वो हैं ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है तो महावीर है। और महावीर स्वामी का जन्म जो है बिहार के मौजूदा वैशाली जिला के अंतर्गत आने वाले कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कितने में? तो ध्यान रखिएगा 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 20वां नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर हम रख चुके हैं और 20वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 1937 के प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन लगभग कितने महीने तक चला हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 महीने तक। याद रखेंगे दोस्तों कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? 28 महीने तक। इसके संबंध में हम आपको आइए थोड़ा सा कंटेंट जोड़ते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना कांग्रेस की सहमति लिए ही इस युद्ध में भारतीयों को शामिल कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में त्याग पत्र दे दिया और इस प्रकार प्रांतों में कांग्रेस की सरकार जो है 2 वर्ष 4 महीने अर्थात कुल मिलाकर के 28 महीने के बाद भंग हो गई थी। लोगों मंत्रिमंडल ने इस्तीफा ही दे दिया था क्योंकि भारत के लोग ये नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हों और अंग्रेजों के इससे कोई फायदा हो, अंग्रेज हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करें या कोई भी काम करें तो हमसे सलाह लें, और ऐसा उन्होंने नहीं किया था। और उन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया था, भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघट्य कौन सी है? 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघट्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए इस संबंध में हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघट्य कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। इसको हम लोग रसायनों का राजा अर्थात प्रयोगशाला का राजा कहते हैं, रसायनों का नहीं प्रयोगशाला का राजा कहते हैं। इसको बैटरी अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होगा क्योंकि यह अम्लीय होता है। प्रश्न आपके सामने है 22वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो देखिएगा लंबाई को या इस चीज को मतलब आंकड़े को मिलाने के लिए हमारे पास जो नियम होता है वो होता है मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। तो इस तरह से मिली पर 10^-3 दिखाई देता है, माइक्रो पर -6 दिखाई देता है, मिली माइक्रो नैनो पर -3, मिली माइक्रो नैनो और पिको पर -12 दिखाई देता है, 3, 6, 9, 12 इसी तरह आगे बढ़ेंगे, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो और क्या एटो। तो यहां पर 4 बार स्टेप बढ़ना है तो 3 का 12 देख लेंगे तो सही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10^-12 ग्राम के बराबर होता है एक पिकोग्राम। दूध उदाहरण है एक, तो दूध निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन का। याद रखेंगे दूध एक प्रकार का इमल्सन है। इसके बारे में हम बताते चलें कि दूध में बहुत से खनिज लवण तथा लैक्टोज तथा जल में विले विटामिन विले होते हैं, जबकि वसा फायस और प्रोटीन व कुछ खनिज पदार्थ कोलाइड्स के रूप में भी होते हैं। लेकिन याद रखिएगा अब दूध को जो है एक उचित आहार या उचित भोजन नहीं माना जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी की होती है जो आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूध कैसा उदाहरण है? तो दूध एक प्रकार के इमल्सन का उदाहरण है। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमल्सन। हाँ, दूध एक प्रकार का कोलाइड बिलियन भी है, इस बात को समझिएगा, दूध एक प्रकार का कोलाइड बिलियन भी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वह इमल्सन है। कोलाइड बिलियन इसलिए है क्योंकि यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। वे सभी बिलियन जो टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ब्राउनी गति देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइडी बिलियन कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए अवक्षय के लिए जो है वह ये मतलब माना जाता है कि इसी की वजह से ओजोन का क्षय हो रहा है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों इस संबंध में हम बताने की कोशिश करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह हमारे ओजोन परत को क्या करती है, क्षयित करती है। और यह ओजोन परत हमारी पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करता है। और यह जो ओजोन मंडल है वह समताप मंडल में पाया जाता है।
25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और आइए देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चंस। जैसा कि दिखाई दे रहा है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, निम्न में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त की जाती है। 25 का सही आंसर है हेमाटाइट। याद रखेंगे हेमाटाइट जो है दोस्तों वह लोहा का एक प्रमुख अयस्क है और इसी हेमाटाइट के माध्यम से हम लोहा का निष्कर्षण भी करते हैं। प्रकृति में लोहा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है तथा यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी कि लोहा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है अर्थात इसमें जंग लगते हैं। मुक्त अवस्था में इसकी मात्रा हल्की होती है, मुख्यतः यह मैग्नेट हेमेटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट अयस्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। भूपरपट्टी में लगभग 42% की मात्रा जो है वह किसकी है, वह लोहा की है, हेमेटाइट की। अगले क्वेश्चन है, प्रश्न देख लेते हैं, हेमाटाइट की लोहे के रूप में 42% मात्रा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कार्बिक अम्ल है। दोस्तों इस संबंध में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है। यह जल में घुलनशील तथा एस्कर्वी रोग निरोधी विटामिन है। यह मतलब एस्कर्वी रोग का विरोधी करता है, मतलब उसको हटाने का काम करता है। इसकी कमी के कारण एस्कर्वी रोग होता है। जिस व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होगा वह एस्कर्वी रोग होगा। तो एस्कर्वी रोग हो जाए दांतों की तलों में होता है, उसमें से निकलने लगते हैं ये चीजें, दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं और रक्त वाहिकाओं की दीवार कमजोर होने लगती है। इसको हम लोग विटामिन सी के नाम से जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सही आंसर है नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देख चुके हैं। आइए देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? दोस्तों एक एक करके, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कंटेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए हमारे साथ कुछ समय तो जरूर बिताइए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार हम कर रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगले कंटेंट के लिए। बहुत ही जल्द हम आप सभी के लिए पहले करंट अफेयर्स का वन लाइनर लेकर के आएंगे, उसके बाद इसका हम जो है ऑप्शनल एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आएंगे और फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? 28 का सही आंसर है कि इनमें देखिए हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला, ये तीनों जो है कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और यह 1s2 2s2 2p2 अर्थात पी ब्लॉक का एक प्रमुख तत्व है। याद रखेंगे इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 और क्या आपके पास 4 हो जाएंगे, यानी कि 6 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4 होंगे। इसमें कुल सेल 2 पाए जाते हैं, के और एम, ये के और एल। प्रश्न है कि सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो सीवी रमन जी को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है 1930 ईस्वी में सीवी रमन को जो है वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों आप इसको जरूर आप लोग देखते चाहिए और ध्यान में रखे रहिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम कितना मान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम निम्नलिखित में से किस मान पर होता है? राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है दोस्तों वह अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है कि भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? 31 का सही आंसर है, क्वेश्चन कहा क्या गया कि भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपरपट्टी में तत्व पूछा जा रहा है, न कि आपको यहां पर यह पूछा जा रहा है कि कौन सा। 31 नंबर क्वेश्चन है ना आपका, 31 नंबर क्वेश्चन सही आंसर है ऑक्सीजन। याद रखेंगे भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई धातु पाया जाएगा तो वो अल्युमिनियम होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है और भारी मात्रा में अगर पाई जाए पूरे ब्रह्मांड में तो वो हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कि भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन है? ऑक्सीजन। तो हमारे भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक रूप है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्ल है वह सिरका में उपस्थित होता है। 33 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं और 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। याद रखेंगे सिरका में कौन सा अम्ल जो उपस्थित रहता है, एसिटिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में अनुमानतः वेग होता है, ध्वनि का वायु में अनुमानतः वेग कितनी मानी जाती है? 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड लगभग मानी जाती है, अन्यथा कहीं कहीं आप 332 मीटर भी देखेंगे।
क्वेश्चन आपके सामने है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, स्टील को अगर कठोर बनाने हैं तो उसमें क्या बढ़ाने की आवश्यकता होती है। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की मात्रा बढ़ाने की जरूरत होती है अगर हम स्टील को कठोर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्टील या इस्पात को कठोर बनाने के लिए लोहा में कार्बन की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो वह कठोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर को ध्यान से देखते चलिएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमैटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। राइट आंसर है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किसमें किया जाता है। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, फिर से ध्यान दीजिएगा, घरेलू एलपीजी की सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्यों, ऐसा आखिर क्या होता है कि इसमें दाब मापक का प्रयोग नहीं किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता। याद रखेंगे घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये एलपीजी के सिलेंडरों की गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता। लेकिन हाल फिलहाल में एक अलग से मतलब दाब मापी आ रहा है जिसको हम लोग बाद में उसको प्रेस कर देते हैं जिससे यह बात पता चल जाता है और वो सेफ भी रखता है। आगे 39 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है तो प्रकाश किरणों की प्रकृति निम्नलिखित में से कैसी होती है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, दोनों के रूप में होती है। तो कण का सिद्धांत जो है वो सर आइजक न्यूटन ने दिया जिसको कणिका सिद्धांत कहते हैं प्रकाश का, वहीं पर तरंग का सिद्धांत जो है हाइगेंस ने दिया जिसको हम लोग हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत भी कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से क्या होती है, यह आंसर आप लोग लगातार कमेंट करते चलिए। शुष्क बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप है, जो शुष्क बर्फ है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप होता है। दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगातार इसको देखते चलिएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, जो कि उप प्रधानमंत्री कौन हुए, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। आगे बढ़ते चलते हैं, आयरन मैन के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कथन था कि जुल्म करने वालों से ज्यादा पापी वो होता है जो जुल्मों को ज्यादा सहता है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार हम बात करते चलेंगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, याद रखेंगे भारत के मूल संविधान में पूछ दिया जाए कि कितनी अनुसूचियां थी तो 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां संविधान में जुड़ी गई। इस प्रकार वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम डाले गए, 10वीं में अनुसूची में दल बदल कानून बनाया गया, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम डाला गया, वहीं पर 12वीं अनुसूची में नगर पालिका जोड़ी गई। इस प्रकार से हमारे अभी वर्तमान में जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर दिया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए के द्वारा दिया गया, जो कि उसमें कौन सी रूप जो है घोषित किया गया है। 43 का सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, कहता है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र बोला गया है भारत की प्रस्तावना में, या उद्देशिका में कहें तो, भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों एक ही है। तो प्रश्न कहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो कहा गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो यह संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। दोस्तों हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, जो कि
क्वेश्चन नंबर 44 का थोड़ा सा कंटेंट हम लोग देख लें तो अच्छा रहेगा। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब संपत्ति के जो अधिकार है वो हटा दिया गया। 1978 में क्या किया गया, वह 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया है, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और यह अब अनुच्छेद 30 क में वर्णित है और यह एक प्रकार का बस विधिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार अब किसमें है, 301 नंबर अनुच्छेद में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, प्रश्न आपके पास है। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते चलिएगा, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ये है बट कोई बात नहीं है, भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में और केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अगर दिमाग लगा देंगे तो कुल मिलाकर होता है कि केंद्रीय सरकार किनसे मिलकर के बनती है, तो रियल में इन तीनों से मिलकर के बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखेंगे आमतौर पर, यानी कि जनरली रूप से अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो जनरली रूप से अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री बनाया जाता है वह है लोकसभा के सदस्य को, जनरली। हालांकि ये मना ही नहीं है कि आप राज्यसभा से नहीं बनाए, लेकिन आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, वे लोकसभा के सदस्य होते हैं, मैक्सिमम यही होते हैं। भारत प्रधानमंत्री के लिए वही योग्यताएं निर्धारित है जो किसी मंत्री के लिए संविधान में उल्लिखित है। मंत्रियों के लिए जिस प्रकार संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, उसी प्रकार प्रधानमंत्री पद के लिए भी किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप लोकसभा से ही आएंगे। इस संबंध में थोड़ा सा सुनते चलिएगा, अनुच्छेद 75(5) में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि हमारे भारतीय संविधान की 75(5) ये बताती है कि अगर आप कोई भी मंत्री बनना चाहते हैं तो देखिएगा, भले ही आप सांसद नहीं हो लेकिन राज्यसभा या फिर लोकसभा में से किसी एक में आपको मंत्री बनने से लेकर 6 महीने के अंदर तक किसी भी सदन का एक सदस्य हो जाना चाहिए। इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, जाहिर है कि यही बाध्यता प्रधानमंत्री के लिए भी है। किंतु यहाँ प्रश्न यह है, किया गया कि प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य है, चूंकि लोकसभा निम्न सदन है और अधिक प्रतिनिधित्व होने की वजह से मैक्सिमम प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा से ही चुन करके आया करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं एक साल में, याद रखेंगे लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो 47 का सही आंसर होगा वर्ष में 2 बार, कम से कम 2 बार, यानी कि 6 महीने से ज्यादा का गैप उसके बीच में नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य किनके द्वारा चुने जाएंगे, 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं मतलब कितने सालों के लिए, सही आंसर है 6 वर्षों के लिए, वही लोकसभा का 5 वर्षों के लिए, ठीक है, आजीवन कोई नहीं चुना जाता है। प्रश्न देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, तो वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक जो प्रतिनिधि है वह लोकसभा में भेजता है, सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी 49 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस संबंध में बता देंगे, उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और राज्य में सर्वाधिक 80 सदस्य लोकसभा के लिए यहीं से चुने जाते हैं, क्योंकि यह लोगों की सभा है, यही कारण है कि जहां पर अधिकतम लोग होंगे वहीं से अधिकतम मात्रा में लोकसभा के सांसद चुन करके आएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, तो सर्वोच्च न्यायालय की मैंने कब किया गया था, यह क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, सही आंसर हो जाएगा देख लेंगे, भारतीय संविधान के द्वारा, याद रखेंगे भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा डी। आगे बढ़ते चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, और प्रश्न ये है, 2 क्वेश्चन और होंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल रखे गए हैं, भारत के संविधान के तहत अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है, तो 3 प्रकार के आपातकाल भारत में लागू होते हैं, 51 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं, आगे क्वेश्चन है,
52 नंबर की सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखते चलिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानीय जनता की आवश्यकता पड़ती है। 52 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम नंबर क्वेश्चन ही होगा कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल निम्नलिखित में से वे कौन नहीं रहते हैं। 53 का सही आंसर होगा कि किसानों का मकान ऋण। तो भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है किसानों के मकान ऋण को। तो उम्मीद करते हैं कि आज के ये 53 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए होंगे और ये इंपॉर्टेंट होंगे भी। इसको एक बार और देख लीजिए या नोट करते चलिएगा। मिलते हैं कल इसी समय, आज के लिए बस इतना ही सा। शुक्रिया, जय हिंद।